कंफ्यूजन्स अबाउट नेपाल एमबीबीएस एडमिशन 2024। नेपाल एडमिशन को लेकर पेरेंट्स लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ काउंसलर लोग भी कंफ्यूज कर देते हैं, और नेपाल में एडमिशन हो जाएगा, जो भी कॉलेज बताऊंगा उसमें भी हो जाएगा। मैं कुछ फ्यू पॉइंट्स नेपाल एमबीबीएस एडमिशन 2024 में बताने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ध्यान से नेपाल एमबीबीएस एडमिशन लेने से पहले इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नीट स्कोर, जिसका स्कोर 129 है उनको भी बोलते हैं नेट नेपाल में एडमिशन हो जाएगा। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आपका स्कोर 164 से नीचे है आप नेपाल में एडमिशन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में नेपाल मानता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई काउंसलर कंसल्टेंट आपको गुमराह किया है, हो जाएगा आपका एडमिशन, नहीं हो पाएगा। नेपाल का एमबीसी एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, क्लियर भी करना पड़ेगा, क्वालिफाई करने के बाद ही नेपाल में एडमिशन ले सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ ये स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, नेपाल का जैसे कि एमबीसी आपका अप्लाई करना तो कंपलसरी है, बट कॉलेज को लेकर अगर आप कॉलेज में मेडिकल साइंस में लेना चाहते हैं, काठमांडू मेडिकल कॉलेज में लेना चाहते हैं, टॉप मोस्ट कॉलेज की मणिपाल मेडिकल कॉलेज में लेना चाहते हैं, नेपाल में लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज में लेना चाहते हैं, मिनिमम नीड्स को 200 होना चाहिए, उससे नीचे डिफिकल्ट है। बट यस, एट द सेम टाइम अगर 200 से नीचे काउंसलिंग के टाइम में कैसे कॉलेज एडमिशन मिल सकता है, यस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में पॉसिबिलिटीज है, आपको एडमिशन मिल जाएगा बिलो 200 इवन इफ स्कोर इज लेस। बट एट द सेम टाइम डियर स्टूडेंट्स, नेपाल को लेकर भी काफी पेरेंट्स क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं फीस कितना क्यों बढ़ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ नेपाल एक खिलौता कंट्री, इंडिया नेपाल में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम सबको देना है, चाहे इंडिया का एम्स का टॉपर हो कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ का टॉपर हो कि कोई भी कॉलेज का टॉपर हो जाए, स्टिल उनको भी नेक्स्ट एग्जाम देना है। तो दैट इज नो डिफरेंस, नेपाल इंडिया का डिफरेंस भी कुछ नहीं है। इंडियन खाना, इंडियन फूड, इंडियन माहौल, सेम 100% इंडियन सिलेबस नेपाल में सारे कॉलेज। आपको कभी फील नहीं होगा मैं नेपाल में काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर या त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर 10 मेडिकल कॉलेज है, मणिपाल मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, यू नो लुम्बिनी, देवदा मेडिकल कॉलेज, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नेपाल मेडिकल कॉलेज, लाइक दिस, दीज आर द कॉलेजेस। सेम केस त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर भी 80 मेडिकल कॉलेज है, चित्तौड़ मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज, तो दीज आर द कॉलेजेस डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो आपको कभी भी फील नहीं हो सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम किताब जो है, बुक्स वगैरह सब सेम आता है, इंडियन आता है, दे आल्सो फॉलोइंग, एंड एनवायरमेंट में कोई फील नहीं है। ओपीडी जिसे इंडिया में जो मेडिकल कॉलेज मिलता है ओपीडी वहां पे भी सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं। दिस द ओनली मेजर रीजन तो नेपाल के लिए फीस थोड़ा ज्यादा है। आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में 8 पार आज इंडियन स्टैंडर्ड, कोई फील आपको नहीं आएगा नेपाल से। मैं बार बार बोलता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, एडूनम, आप 18 ईयर्स एक्सपर्टाइज, 18 साल से इंडिया में हम लोग जो है काउंसलिंग करते आ रहे हैं फॉरेन कंट्री के लिए, स्पेशल नेपाल के लिए। अगर आप नेपाल में जो भी कॉलेज में काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर हो या त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर हो एडमिशन लेना चाहते हैं, फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर में कैसे पे करना है, फिर सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, सेम टाइम हॉस्टल फैसिलिटी कैसा है, सिक्योरिटी है कि नहीं है, आपका बच्चा इंडिया नेपाल में सेफ है कि नहीं, हर चीज का गारंटी एडूनम इज गोइंग टू टेक यू एंड गिव यू ऑल एश्योरेंस। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, नेपाल के लिए स्पेशली नीट स्कोर को लेकर जो रिमर फैलाया जाता है, जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है एमंग द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, उनके बातें बताइए, ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको नेपाल के बारे में हर चीज का गाइडेंस देंगे, हम बताएंगे। यस, नेपाल में आप एडमिशन लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी कॉलेज फीस स्ट्रक्चर वैरी करता है 47 लाख से लेकर 60 लाख तक है, बट यस नेपाल में जो पैकेज सिस्टम चलता है, जो भी कॉलेज में आप लेना चाहता हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कॉलरशिप हम कोशिश करेंगे नेपाल में एडमिशन देने का, आपको स्कॉलरशिप नेपाल में स्कॉलरशिप देने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो भी क्वेरी, जो भी डाउट रिलेटेड टू नेपाल के लिए, या जो मन में जो कंफ्यूजन है नीट स्कोर को लेकर या एमबीसी एग्जाम्स को लेकर, तो हम आपको ए टू जेड उस हेल्पलाइन में बताएंगे, आप कॉल कीजिए, आपको सब कुछ बताएंगे। धैर्य 2024 के लिए नेपाल का एडमिशन के लिए, आपका जो भी कॉलेज आता है, जो भी डाउट रहता है कॉलेज वाइज, यूनिवर्सिटी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कैसे पे करना है, क्या फैकल्टी के बारे में, सिलेबस के बारे में, ट्यूशन ऑफकोर्स हॉस्टल फीस के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट एग्जाम पासिंग रेट के बारे में, एवरीथिंग विल गाइड, गोइंग टू गाइड यू एंड टेल यू। अगर आपको नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे अबाउट नेपाल।
थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।